प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। इंडस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और इनके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आइए सबसे पहले हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन परिचय के बारे में जानें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक आकाशवाणी में, सहायक प्रोड्यूसर दीनमान में, उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक का अर्थ होता अचानक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर दयाल की प्रमुख कृतियां होती है रचना काट की घंटियां, क्वानो नदी, जंगल का दर, खुटियों पर टंगे लोग और इनके कहानी संग्रह लड़ाई, उपन्यास पागल कुत्तों का मसीहा सोया हुआ जल, नाटक बकरी, भो भो खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक इनके बाल साहित्य है। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खुटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकेदमी का पुरस्कार मिला। सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताश और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दीनमान में जो स्तंभ लिखते थे उनमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है। संस्मरण होता है याद, मतलब उस चीज की स्मृतियां होगी याद और संस्मरण अपना द्वारा लिखे भी याद है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल गुलके पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है कि जो उन्होंने फादर कामिल गुलके पर जो लेख लिखा वो लेख एक कसौटी एक परख पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर गुलके जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रेंस चैपल शहर में जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। कि जो फादर बुलके थे उनका जन्म जो है बेल्जियम में हुआ था, लेकिन उन्होंने संन्यास की शिक्षा ग्रहण करके वो भारत आ गए थे और उन्होंने अपनी कर्म भूमि जो है वो भारत को बनाया था। फादर बुलके एक सन्यासी थे परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुलके से अंतरंग संबंध था। अंतरंग का अर्थ होता है गहरा, जिसकी झलक हमें संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। हमारा पाठ का नाम है, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो पेज नंबर 85 पर है। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद एक जहरीला फोड़ा होता है जिसको हम गैंग्रीन नामक बीमारी भी कही जा सकती है, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। अर्थात जो व्यक्ति दूसरों से बहुत प्रेम करता था ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जहरबाद जैसी बीमारी से हुई। यह वाक्य में दुख का विषय था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों से प्रेम करता था ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसी कष्टदायी मृत्यु क्यों? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? अब लेखक सोचते हैं कि इस बारे में मैं किस भगवान से, कौन से भगवान से इस बारे में पूछूं कि ऐसे व्यक्ति की मौत ऐसी कष्टदायी क्यों हुई? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था कि जो
बहुत ज्यादा विश्वास करता था, बहुत बहुत ज्यादा प्रभु पर प्रेम करता था, ऐसे व्यक्ति को ही ऐसी यातना भरी मृत्यु का सामना करना पड़ा। वह देह की इस यातना की परीक्षा में उम्र की आखिरी देहरी पर चौकी, एक लंबी पादरी के सफेद चौकी से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोले, गले लगाने को आतुर, आतुरता बेचैन, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। साक्षी का अर्थ होता गवाह। तब भी जब मैं इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज मैं उन बाहों का दबाव अपने छाती पर महसूस करता हूँ। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फादर की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर है, फादर की मृत्यु गैंग्रीन से हो गई थी। गैंग्रीन एक प्रकार का जहरीला फोड़ा होता है जिसका जहर सारे शरीर में फैल जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर के प्रति फादर के क्या विचार थे? उत्तर, फादर कामिल बुल्के को ईश्वर पर अटूट आस्था थी। वे अपने सभी कार्य उस परमात्मा को समर्पित करके करते थे और उस परमात्मा की ही इच्छा को सब कुछ मानकर अपने सभी कार्य करते थे। वे परमात्मा के दिए हुए सुख दुखों को उनकी देन मानकर स्वीकार करते थे। अगला क्वेश्चन, उम्र की आखिरी तेहरी का भाव स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इन शब्दों का क्यों प्रयोग किया? उत्तर, उम्र की आखिरी तेहरी से तात्पर्य बुढ़ापे से है। लेखक ने यहाँ इन शब्दों का प्रयोग इसलिए किया है कि जब सारा जीवन फादर भूल के लोगों की भलाई करते रहे तो उन्हें बुढ़ापे में ईश्वर ने इतनी कष्ट पर बीमारी से उनकी मृत्यु किस परीक्षा के लिए दी थी। अब आगे पढ़े, आइए। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। यहाँ लेखक कहते हैं कि फादर को याद करना ऐसा लगता है कि मानो हम एक उदास शांत संगीत को सुन रहे हैं। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बातें करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल जो है ये एक संस्था का नाम है, वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिससे के बड़े फादर बोलते थे कि लेखक को प्रेमल के वो दिन याद आ रहे हैं जब वो सारे के सारे व्यक्ति एक पारिवारिक रिश्ते की तरह रहते थे और उस परिवार का जो मुखिया था उनको हम फादर बोल के समझा जाता था। हमारी हंसी मजाक में वे निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वे गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे, अर्थात आशीर्वाद देते थे कि चाहे घर का कोई भी माहौल हो, खुशी हो, दुख हो, हर समय फादर बोल के उस उत्सव में शामिल होते थे, उस समय उनके घर में आते थे और उन्हें अपने आशीर्वादों से उन्हें लबालब कर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उनके मुंह में पहली बार अन्न डालना याद आता है। अब लेखक पहले के समय घटना को याद करते हुए कहते हैं कि जब पहली बार उसके बच्चे के मुंह में अन्न डाला था फादर बुल्के ने, तो वो घटना लेखक को आज उनकी मृत्यु के बाद याद आ रही है। और नीली आंखों में चमक में तैरता वात्सल्य और उनकी नीले रंग की जो आंखें थी उनमें जो प्यार दिखाई दे रहा था वो प्यार भी लेखक को महसूस हो रहा है, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारु की छाया में खड़े हो, कि उनका प्यार उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो किसी ऊंचाई वाले पेड़ पर खड़े हो, कि जैसे देवदार का जो वृक्ष होता है वो बहुत ऊंचा होता है, तो ऐसे ही फादर बुल के भी उन्हें बहुत ऊंचे व्यक्तित्व के स्वामी दिखाई दे रहे थे। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फादर को देखना और सुनना कैसा था? उत्तर, फादर को देखने मात्र से ऐसा लगता था जैसे उन्हें देखकर हम किसी पवित्र सरोवर के उज्जवल जल में स्नान करके पवित्र हो गए हो। उनसे बातचीत करना तथा उनकी बातें सुनना हम में कर्म की प्रेरणा भर देता था। अगला क्वेश्चन, प्रेमल क्या थी, वहाँ कैसी चर्चाएं होती थी? उत्तर, प्रेमल एक साहित्यिक संस्था थी।
इस संस्था में समय समय पर साहित्यिक विचार गोष्ठियां आयोजित होती रहती थी। इन गोष्ठियों में तत्कालीन साहित्य की विभिन्न विधाओं पर चर्चा होती थी। इन गोष्ठियों में नए पुराने सभी साहित्यकार अपने अपने विचार व्यक्त करते थे। अगला क्वेश्चन है, घर के उत्सव में फादर का क्या योगदान रहता था? उत्तर, घर के उत्सव में फादर बुल के सबके साथ मिलजुल कर उत्साह पूर्वक भाग लेते थे। वे एक बड़े भाई के समान अथवा एक पारिवारिक पुरोहित के समान सबको आशीर्वाद देते थे। उनके इस व्यवहार से सभी पुलकित हो उठते थे। अब आगे पढ़े, कहां से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। अब लेखक सोच रहे हैं कि वो किस चीज से, कहां से शुरू करें फादर बुलके को याद करने के लिए, से कौन सी घटना से शुरू करें। और जब वो याद कर रहे हैं तो उन्होंने इलाहाबाद की सड़कों पर जो फादर बुलके साइकिल चलाते थे उन्हें वो घटना याद आ रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है। और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में मैं कभी नहीं देखा। कि लेखक कहते हैं कि मैंने फादर बुलके को कभी भी क्रोध में नहीं देखा, कभी भी गुस्से में नहीं देखा, आवेश में देखा। आवेश का अर्थ होता जोश, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया कि उसे हमेशा प्यार के माहौल में उसे अब जैसे उसके मन के अंदर जो है प्रेम वो बहुत गहराई के साथ उबल रहा हो, वो बहुत गहराई के साथ बाहर आ रहा हो, हमेशा उसको हमने उस प्यार के माहौल में ही देखा है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम के इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागी, जबकि घर भरा पूरा था, दो भाई एक बहन माँ पिता सब थे। अब यहाँ इससे संबंधित क्वेश्चन देखें कि फादर बुलके के घर में कौन कौन था। फादर बुलके के घर में दो भाई एक बहन माता और पिता अर्थात सभी सदस्य थे। लेखक ने फादर बुलके को किस रूप में कभी नहीं देखा? लेखक ने फादर बुलके को क्रोध के रूप में कभी नहीं देखा। उन्होंने उसे किस रूप में हमेशा देखा? उन्होंने उसे प्यार से लबालब छलकते हुए हमेशा देखा। फादर बुलके के मन में सन्यासी बनने की इच्छा कब जागृत हुई? फादर बुलके जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तब उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हुई। आइए देखिए आगे, आपको अपने देश की याद आती है? लेखक फादर बुलके से पूछते हैं कि आपको अपने देश की याद आती है, और इसका जवाब देते हुए फादर बुलके कहते हैं मेरा देश तो भारत है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। फिर लेखक ने कहा कि मैं आपकी जन्मभूमि के बारे में जानना चाह रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैम्बर। अब फादर बुलके ने कहा कि मुझे अपने जन्मभूमि की बहुत याद आती है, और मेरी जो जन्मभूमि है वो बहुत सुंदर है और जिसका नाम है रेम्स चैम्बर। घर में किसकी याद? अब लेखक ने उसे दोबारा प्रश्न किया कि आपको घर में किस किस की याद आती है। फादर बुलके ने उत्तर देते हुए कहा माँ की याद आती है, बहुत याद आती है, कि उसे अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आती है। फिर अक्सर माँ की समृद्धि में डूब जाते थे कि उन्हें हमेशा जो है प्राय माँ की यादों में डूबते हुए भी देखा था। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी कि उनकी माँ उनकी किनकी फादर बुलके की। हाँ, उनके शब्द जो है फादर बुलके के लिए प्रयुक्त हुआ है कि फादर बुलके की माँ उनके पास हमेशा चिट्ठियां लिखती थी। अपने अभिन्न मित्र अभिनोता गहरे डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे, और फादर बुलके के जो गहरे मित्र थे जिनका नाम था डॉक्टर रघुवंश, उनको माँ के द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को भी वो दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था कि फादर बुलके के मन में अपने पिता के लिए और भाइयों के लिए ज्यादा प्रेम नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वही पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद दो या तीन बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए। अब यहाँ क्वेश्चन है आपको कि फादर बुलके की चिट्ठियां किसकी आती थी, और वो उन चिट्ठियों को किसको दिखाते थे? फादर बुलके के पास अक्सर उनकी माँ की चिट्ठियां आती थी, और वो उन चिट्ठियों को अपने मित्र रघुवंश को दिखाते थे। अब अगला क्वेश्चन है कि उनके पिता और भाई क्या करते थे? उत्तर है पिता व्यवसायी थे,
एक भाई वही पादरी हो गया था और एक भाई काम करता था। अगला क्वेश्चन है, बहन कैसी थी और फादर बुलकेन को उसकी किस चीज की चिंता रहती थी? उत्तर, बहन जो है सख्त और जिद्दी थी, फादर बुलकेन को उनकी शादी की चिंता रहती थी। अब आगे देखिए, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? अब लेखक उनसे पूछ रहे हैं कि आपका जब पूरा घर परिवार था तो आप सभी कुछ छोड़कर वहां से क्यों आते? प्रभु की इच्छा थी। अब लेखक की जवाब का उत्तर देते हुए फादर बोल के कहते हैं कि ये सब प्रभु की इच्छा थी, प्रभु की कृपा थी कि मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गया। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते हैं, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। कि जब लेखक ने पूछा कि तुम ये सब कुछ छोड़कर तुमने संन्यास धारण क्यों किया, तब फादर बुलके ने कहा कि ये सब प्रभु की इच्छा थी। और बच्चों जैसे मुस्कुराहट के साथ उन्होंने कहा कि मैं जब बचपन में था, छोटा था, तभी मेरी माँ ने घोषणा कर दी थी कि ये जो बच्चा है ये हाथ से निकल गया है। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुलके सन्यासी होने पर जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँ, कि जब वो इंजीनियरिंग के आखिरी साल में थे तब वो अपने धर्म गुरु के पास गए और उन्होंने वहां पर जाकर अपनी सन्यास धारण करने की इच्छा को जागृत किया और साथ में एक शर्त भी रखी। मतलब जो व्यक्ति संन्यास लेना चाहता था वो उस समय अपनी एक शर्त रख सकता था और शर्त को माना जाता था। तो उन्होंने जो शर्त रखी वो शर्त थी कि वो संन्यास धारण करने के बाद वो भारत जाएंगे, उनकी ये इच्छा थी। भारत जाने की बात क्यों थी? अब लेखक फादर बुलके से पूछते कि तुम्हारे मन में भारत आने की ही इच्छा क्यों उत्पन्न हुई? नहीं जानता, मन में यही था। अब लेखक ने उत्तर, फादर बुलके ने उत्तर दिया लेखक की बात का कि मैं नहीं जानता कि मैं भारत क्यों आना चाहता था, बस मेरे मन में ये बात, ये मन में जो है भारत आने की इच्छा जो है उत्पन्न हुई होगी। अब यहाँ पर अपना क्वेश्चन आ जाता है कि फादर बुलके के मन में भारत आने की इच्छा क्यों जागृत हुई होगी? हम यहाँ पर कल्पना करेंगे क्योंकि यहाँ इसका हमारा पूरा उत्तर नहीं है, इसलिए कल्पना के माध्यम से हम इस उत्तर को जानेंगे कि फादर बुलके के मन में भारत आने की इच्छा इसलिए जागृत हुई होगी कि वो भारत की संस्कृति से, भारत के लोगों से प्रभावित हुए होंगे। वो भारत को ऋषियों मुनियों की, मनीषियों की भूमि समझते थे, मानते थे, और उन्होंने उन मुनियों को, उन ऋषि मुनियों की जो भूमि थी उसके साथ साथ दर्शन करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उसी भूमि पर जाकर वो भी देश के लिए या अपने मन के भावों को उजागर करके लोगों के लिए कुछ कार्य कर सके। शायद इसी वजह से उनके मन में भारत आने की इच्छा उत्पन्न हुई होगी। भारत जाने की बात क्यों थी? नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई, कौन सी शर्त? की संन्यास धारण करने के बाद भारत आने की शर्त, और वह भारत आ गई। पहले जिस संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। कि उन्होंने जिसेट संघ में 2 साल से पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की और 9-10 साल तक और दार्जिलिंग में रहे और कलकत्ता में गए, वहाँ से उन्होंने बीए किए और फिर इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया राम कथा उत्पत्ति और विकास, परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है नील पंछी के नाम से, कि जो नील पंछी के नाम से उन्होंने जो है ब्लू बर्ड नाटक का रूपांतर किया था। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग का अध्यक्ष हो गए और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद किया। और वो वही बीमार पड़े पटना आए, दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष की देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। अच्छा बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम पाठ का आगे का भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।